हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या रसोई में। आज हम बनाएंगे चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन। उसके लिए हमने बना लिए हैं सेव। उसके बाद हमने बना लिए हैं बूंदी। बूंदी को अच्छी तरह से तलेंगे जिससे कि करारी हो जाए। इसमें हम डालेंगे सेव, बूंदी, सारे चीज़ें मिला करके हम नमकीन तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने बूंदी को करारा तल लिया है, फ्राई कर लिया है और सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो सेव में हमने डाल दिया बूंदी को और ये ले लिए हमने मक्का के चिप्स। इनको भी अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। और हमें सभी चीज़ें तेज कढ़ाई में ही डालना है, तभी अच्छी तरह से फ्राई होंगी। और ये हमने डाल दिया है पोहा, और पोहा भी हमारा अच्छी तरह से करारा फ्राई हो चुका है। तो सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम मूँगफली दाना भी फ्राई कर लेंगे और इनको हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे जिसमें कि ये अच्छी तरह से करारे फ्राई हो जाएं। तो इस तरह से हो चुके हैं और इनको हमने मिक्स कर दिया है। अब हमने ले लिए हैं कुछ मसाले जो कि हम तड़का पैन में डाल देंगे। और उसमें थोड़ा सा तेल डाला था हमने और इसमें हमने डाल दिया है मीठा नीम, मिर्ची, धनिया, सौंफ, जीरा, सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। और इसमें हम तड़का लगा देंगे सारे नमकीन में। और कुछ सूखे मसाले डालेंगे हम, जैसे कि चीनी, नमक, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, हींग, ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। स्वाद के अनुसार आप तीखा कर सकते हैं, बहुत तीखा भी कर सकते हैं, और बच्चों को अगर खाना है तो आप थोड़ा सा फीका भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारा मसाला मिला दिया है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही अच्छा नमकीन बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और संध्या रसोई को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस तरह से एक बार आप नमकीन बना के रख लीजिए तो घर में बहुत ही मज़ा आएगा सबको खाने में, और मार्केट के नमकीन से बच जाएंगे जो कि वहाँ का तेल अच्छा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी मात्रा में वहाँ नमकीन बनाया जाता है। तो घर में आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।